सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है लेज़र प्रिंटर यूज़र्स के लिए। और अगर आपके प्रिंटर में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप जब प्रिंटर ऑन करते हैं और आपका प्रिंटर कंटिन्यू चले जा रहा है, इनिशियलाइज होता रहता है, मोटर कंटिन्यू चलता रहता है, रेडी मोड पर आता नहीं है प्रिंटर और कोई कमांड भी नहीं ले रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपका कोई सा भी लेज़र प्रिंटर हो, वो आप लोग इसको देख के ठीक कर पाएंगे, इस वीडियो को देख के आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और बात करते हैं इसमें, मैं फ़िलहाल इसमें तो मैं आपको मॉडल बताने वाला हूँ HP का 1606, लेकिन इस वीडियो की मदद से आप लोग HP और अदर ब्रांड के भी सारे लेज़र प्रिंटर को सॉल्व कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, अगर आपका प्रिंटर कंटिन्यू इनिशियलाइज हो रहा है, मोटर कंटिन्यू रनिंग कर रहा है और प्रिंटर आपका रेडी मोड में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं प्रिंटर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। चलिए, मैंने यहाँ पे प्रिंटर ऑन कर लिया है, अब आपको इसकी नॉइस सुनाते हैं जो कंटिन्यू इनिशियलाइज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सारे स्टेप फॉलो करिएगा, वीडियो को ज़्यादा स्किप कुछ मत करिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को समझ नहीं पाएंगे और अपना प्रिंटर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसके प्रॉब्लम का सलूशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रिंटर को करते हैं ओपन, और ओपन करने के लिए आपको इसके बैक साइड में जो स्क्रू लगे हैं वो ओपन कर लेना है, और साइड से फिर कवर जो इसके हैं वो दोनों साइड से कवर हटाने हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रू पहले से ओपन कर रखे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से ओपन कर रखे। तो कुछ इस तरीके से आपको बैक साइड के जो इसके बैक साइड से दोनों के साइडों के कवर ओपन कर लेने हैं, क्योंकि आपको जो फ्रंट वाला पैनल है वो निकालना है, उसके लिए आपको साइडों के दोनों कवर निकालने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हटा सकते हैं। और इसके लॉक साइडों में होते हैं और अंदर के लिए भी होते हैं और नीचे साइड में भी होते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है और आपके ये दोनों साइड के पैनल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड के पैनल अलग कर दिए हैं मैंने। इसके बाद आपका जो कंट्रोल पैनल है आपको वो भी निकालना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल किस तरीके से निकालना है वो भी अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रंट साइड से फ्रंट प्रिंटर को रख ले रहे हैं, अब इसके जो ऊपर का कवर है इसको ओपन करेंगे, फ्रंट डोर, इसके डोर को ओपन करके आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल पैनल में एक स्क्रू लगा दिख जाएगा, और साइड से एक केबल लगी होती है, इसको केबल को पहले डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पैनल को हटाएंगे तो ये वायर इसका टूट सकता है। तो मैंने यहाँ से स्क्रू पहले ही हटा रखा है, तो आपको पैनल थोड़ा अपनी तरफ के लिए खींचना और ऊपर उठा देना, तो ये इसका कंट्रोल पैनल अलग हो गया। चलिए, अब खोलते हैं इसका फ्रंट पैनल जहाँ पर हमारा स्कैनर यूनिट लगा होता है। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं, मैं स्कैनर यूनिट के जो यहाँ पर दो केबल आए हुए हैं इनको एक बार ठीक से क्लीन करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये केबल अगर ठीक से क्लीन नहीं है और यहाँ से ठीक से इनका जो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्कैनर मोटर को इंट्रक्शन नहीं भेज पाता है रुकने के लिए, तो इस वजह से हमारा मोटर कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए प्रिंटर इनिशियलाइज होता रहता है। सबसे पहले आप लोग इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए आप लोग इन दोनों केबल को क्लीन करके देख लीजिएगा और प्रिंटर ऑन करके ऐसे ही देख लीजिएगा, तो हो सकता है आपका यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद भी ना हो तो उसके बाद की स्टेप आप तब फॉलो करिएगा। तो चलिए, इसके आगे की स्टेप फॉलो कर रहे हैं, अगर उन केबल को क्लीन करके आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो पाए। तो मैं यहाँ से इसके फ्रंट पैनल को भी ओपन कर ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके से इसको अलग कर देना है, और इसके बाद हमें अपने स्कैनर यूनिट को ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे पहले से स्क्रू हटा रखे हैं, यहाँ पे लगा होता है स्क्रू एक यहाँ पर, और इस तरीके से आप अपनी साइड में ऊपर के लिए खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। अब आपके सामने जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारा स्कैनर यूनिट है जो हमारे प्रिंटर को प्रिंट प्रोवाइड करता है, मतलब यहीं से लेज़र सीधे हमारे टोनर पर पड़ता है तो हमारा प्रिंट तैयार हो जाता है। तो इसको ओपन करना है किस तरीके से आपको दिख रहा हूँ, इसमें चार स्क्रू लगे हुए हैं, इसको ओपन स्क्रू हटा के इसके कवर को ओपन करेंगे और अंदर इसके जो एक स्कैनर लगा होता है उसको कॉटन से ठीक से साफ़ करना है। कुछ इस तरीके से इसके कवर को आप पहले हटा दीजिएगा और एक जो मोटर का जो केबल है वो यहाँ से निकाल दीजिए, मोटर का जो सेंसर होता है, और अंदर के लिए भी दो लॉक होते हैं उनको ठीक से आपको कुछ इस तरीके से हटा लेना है। थोड़ा छोटा स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा जिससे आपको ईजिली ये निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके स्कैनर के यूनिट के कवर को ओपन कर लिया, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किसी किसी में ऐसे निकल आता ऊपर का कवर है और किसी में नहीं निकलता, तो आपको जो आपका मोटर लगा हुआ है उसका एक स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। अंदर की साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ से ऐसे निकल नहीं पा रहा है, तो
मोटर का एक स्क्रू अभी खोलना है, उसके बाद ये कवर आसानी से हट जाएगा और हम लोग अंदर का स्कैनर यूनिट ठीक से साफ कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कौन सा स्क्रू आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसके ओपन कर लेंगे तो हमारा जो मोटर लगा हुआ है वो थोड़ा साइड में हट जाएगा और हमारा स्कैनर यूनिट का जो कवर है वो निकल जाएगा, तो हम लोग स्कैनर यूनिट को ठीक से साफ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी स्क्रू को खोल दिया है और चलिए आपको दिखाते हैं स्कैनर यूनिट को किस तरीके से साफ करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ये मोटर है हमारा और ये कवर हमारा इजिली निकल आया है। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर के लिए हमारा स्कैनर यूनिट लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई साफ बिल्कुल नया जैसा ब्रश हो तो आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको कॉटन से करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अगर ज़्यादा डस्ट वगैरह हो तो आप यहाँ से क्लीन कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो स्क्रू है उसको लगाने से पहले मतलब इसके कवर को वापस लगा दीजिएगा, और इसमें भी जो एक केबल लगा हुआ है उसको भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। वो अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्कैनर यूनिट में लगा हुआ है केबल, वो भी अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको क्लीन करना है। तो चलिए इसके स्कैनर यूनिट के कवर को वापस लगा दे रहे हैं क्योंकि स्कैनर यूनिट तो क्लीन कर दिया है। अब एक रह गई है केबल, जो उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर क्लीन करने वाले हैं। तो स्कैनर यूनिट के कवर को लगाने के बाद जो मोटर का स्क्रू है उसको वापस सेट करके इसका लॉक होता है उसको फंसाने के बाद स्क्रू को वापस लगा देना है। और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में केबल दिख रही है उसको भी कैसे क्लीन करना है वो भी आपको दिखा दूंगा मैं अभी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ पर हमारा स्क्रू लग चुका है ठीक से, एक कनेक्शन जो रह गया वो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से लगा लीजिएगा, और इसके बिना तो आपका प्रिंटर बिल्कुल रेडी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रिंटर को वापस असेंबल करने से पहले ये केबल जरूर लगा दीजिए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं और फिर प्रॉब्लम करता तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर ओपन करते टाइम यहाँ पर एक जो लीवर टाइप का लगा होता है जिससे हमारा प्रिंटर डिटेक्ट करता है कि इसका ओपन जो डोर है वो ओपन तो नहीं है, वो निकल गया, तो इसको इस तरीके से लगाना है। वो आप लोगों को बता दूं, ज़्यादातर ये निकल ही जाता है जब आप लोग इसके स्कैनर यूनिट को ओपन करेंगे। और इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार प्रिंटर ठीक से फिट करके मतलब असेंबल करके दिखाऊंगा। जो आपको जो सामने के लिए व्हाइट कलर की लेफ्ट हैंड साइड में केबल दिख रही है इसको निकाल के आप क्लीन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके कवर को असेंबल कर रहा हूँ, मतलब पूरे प्रिंटर को फिर से असेंबल कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम सारा कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से असेंबल करना है वो आप लोग इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं वापस असेंबल और फिर आपको दिखाते हैं हमारा प्रिंटर रेडी हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप लोग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रिंटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लेजर प्रिंटर में कोई भी मॉडल हो आप लोग इसी तरीके से फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो देख के अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी टेक्निकल वीडियोस मिलती रहती हैं। बाकी अगर आप लोग कोई और प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।